सो हे गाइस, दिस इज हियर रोहित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डेल बोस्ट्रो 3590 की एक बहुत ही अच्छी एडिशनल फीचर्स के बारे में। बेसिकली आपको इस लैपटॉप पे मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वर्जन, जिसको कि आप अपने डिफरेंट वर्क्स में इस्तेमाल कर सकते हो और अपने वर्क को बहुत ही स्मूथ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इस लैपटॉप में एक एमएस ऑफिस का 2019 वर्जन का एक्टिवेट के साथ मिलता है, ताकि आप अपने सही वर्क्स को बहुत ही स्मूथली कर सको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन आता है और आप इस जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक पेज ओपन होगी और आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लोगो आ रहा है और ये ओपन हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक स्टार्ट न्यू, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एडिशनल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फीचर्स होते हैं, जो उनके टूल्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव और एमएस वर्ड और साथ ही आपको एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वन नोट और साथ ही कुछ टू डूज कैलेंडर्स देखने को मिलते हैं। और भी आपको बहुत सारे डिफरेंट एप्स मिलते हैं इस लैपटॉप में, इस ऑफिस में, जिसको कि आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसे अपने वर्क में ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको किसी भी अभी फाइल्स को खोलकर दिखाता हूँ, जैसे मैं एमएस वर्ड को खोलकर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये खुल चुका है और आपको ये सब बाहर भी एक एडिशनल एप्स मिलती है इस एमएस ऑफिस की, जिसको कि आप अपने यूज में ले सकते हो बहुत ही आराम से, कोई इशू देखने को आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वन नोट, पावर पॉइंट, वन नोट, स्काइप का एक अलग सा जो एप्स मिलता है, ताकि आप अपने किसी भी एप्स को आराम से खोल सको और उसे मैनेज कर सको। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब देख पा रहे हैं ये खुल रहा है और खुल चुका है, और यहाँ पर आप ब्लैंक अपना बना सकते हो और एक न्यू भी ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये पूरी एक्टिवेटेड है, वो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ देख पा रहे हैं मेरा जो ये नेम है दिखाई पड़ रहा है आपको। कुछ में एक बहुत ही अच्छी फीचर्स मिलती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इस लैपटॉप में फ्री मिलती है। अब देख पा रहे हैं आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्लैंक वर्कबुक, लोन, एमओर, टाइजेशन, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, सेल्स रिपोर्ट, बिलिंग स्टेटमेंट्स, बहुत सारी ऑप्शन मिलती है। साथ ही आपको इसमें पावर पॉइंट मिलता है। पावर पॉइंट एक बहुत ही अच्छी टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जिसमें कि आप अपने डिफरेंट प्रेजेंटेशंस को इजीली दिखा सकते हो और आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हो। तो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए आप पावर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे आप ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिलती है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू क्लिक करता हूँ, न्यू पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ और अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। कोई भी ऐसा जो टूल्स है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आप इंसर्ट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ट्रांजिशंस दे सकते हो, एनिमेशंस दे सकते हो, स्लाइड शो दे सकते हो, रिव्यू, बहुत सारे ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, तो आपको इसमें सभी फीचर्स देखने को मिलेगा और जो भी ऑफिस से रिलेटेड है, और ये पूरी एक्टिवेटेड है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे अकाउंट्स का नेम आ रहा है और ये बहुत अच्छी फीचर्स है कि आपको इस डेल बोस्ट्रो 3590 में ये एडिशनल फीचर्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसी एडिशनल फीचर्स मिलती है और आप किस तरह से अपने डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स को यूज करके अपने वर्क को स्मूथ कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।